हाय गाइस, सो वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का आठवां दिन है यानी अष्टमी। हम लोगों के घर में अष्टमी पूजन होता है, बट जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं किसी रीज़न से लाइक फास्ट वगैरह नहीं रख पा रही हूँ, तो मैंने इस बारी फास्ट नहीं रखे हैं माता रानी से माफ़ी मांग के। बट मैंने कलश स्थापित किया था और पूजा करी थी सुबह शाम दोनों टाइम। तो आज जो है प्रसाद बनाना था, बट अगेन मेरा जो एनर्जी लेवल था काफ़ी लो था, तो मम्मी ने ही वो सारा प्रसाद बना करना भेज दिया कि एटलीस्ट माता रानी को भोग लग जाए। एंड एक बहुत ही गुड साइन मुझे सुबह मिला जब प्रशांत ने नारियल को फोड़ा ना, तो वो नारियल ना मतलब अंदर से थोड़ा सा ख़राब निकला। तो ऐसा बोला जाता है कि जब माता रानी भोग लगा लेती हैं या भगवान जी नारियल से मतलब नारियल का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो वो या तो वो सूख जाता है या फिर लाइक वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। शुरू में जब वो ऐसा निकला तो मुझे तो भाई कुछ पता नहीं था, मैं तो बहुत घबरा गई कि यार मेरा नारियल ऐसा क्यों निकला। माता रानी से मतलब मैंने माफ़ी मांगी थी हर चीज़ के लिए, फिर भी क्या ऐसी गलती हुई। बट बाद में मैंने गूगल किया और मम्मी से भी पूछा तो पता चला कि नहीं, ये एक शुभ संकेत है। तो उसके बाद मेरे को अचानक से वापस से सब कुछ ठीक होता हुआ नज़र आया। वैसे भी सब ठीक था। कई बार होता है हम इंसान लोग ना बहुत ओवर थिंक कर लेते हैं चीज़ों को, लेकिन एक्चुअली में चीज़ें हमारे फेवर में ही हो रही होती हैं। तो वो जो ऊपर बैठा है ना, उसके प्लान्स पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। कभी कभी मुश्किल हो जाता है बिकॉज टाइम ऐसा होता है कि हम नहीं भरोसा कर पाते या लगता है कि सब चीज़ें अजीब सी हो रही हैं, बट एट दी एंड सब कुछ ठीक करने वाले भगवान जी हैं। तो अपने भगवान में जिसको भी आप मानते हो, जिस भी रूप को आप मानते हो, उसकी पूजा करो, उन्हें मानो और भगवान सब देख रहा है बेसिकली। सो भाई चलो दिन शुरू करते हैं। अभी मैं नहा ली हूँ और मैंने अपना ये रेड वाला ड्रेस पहन लिया है, तो अभी बस मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी। अभी मैंने भी कुछ ठीक से नहीं खाया है, सिर्फ सुबह मैंने बिस्किट खाया था बिकॉज भूखी नहीं रह सकती थी मैं बेसिकली, तो इसीलिए मैंने बिस्किट ले लिया था। तो अभी क्या है कि अब मैं पहले माता रानी को भोग लगाऊंगी, फिर सामने नन्नू जो रहता है उसको कंजक दे के आऊँगी, और एक और लिटिल बेबी को कंजक दे के आऊँगी, और फिर अपना खाना खाऊँगी। क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा अजीब सा मतलब फील हो रहा है और मुझे लग रही है भूख बहुत तेज़। तो पहले चल के फटाफट से भोग लगा लेते हैं। पूजा सुबह प्रशांत करके चला गया था, भोग में मैंने फ्रूट्स वगैरह रख दिए, बाकी जो प्रॉपर भोग मम्मी ने बना के दिया है वो अभी चल के माता रानी को लगाते हैं और उनसे बहुत सारी प्रेयर करके ना बहुत सारा आशीर्वाद मांगते हैं। चलो तो गाइज ये रहा हमारा माता रानी का भोग और ये रही हमारी प्यारी सी माता रानी। मैंने इनको भोग लगा दिया है और बाकी सारे भगवानों को भी। अब बस वो जो कलश है या जो लोटा मैंने रखा था उसका जल मैं प्रवाहित कर दूंगी। एंड ये सुबह प्रशांत नारियल छील के गया था बट वो थोड़ा सा खराब निकला ना, इसलिए मैंने उसको वापस से नहीं रखा है यहाँ पर। एंड कान्हा जी को देखो, ये भी मैं मस्त यहाँ पे मजे में बैठे हैं। अभी ये जो भोग है माता रानी ने तो लगा लिया, बस कंजकाएं पूछ के उसके बाद हम खाएंगे। गाइस मम्मी ने वैसे तो काफी कुछ चीजें भेजी हैं, इसमें गीली सब्जी है आई गेस, ये मेरे लिए हाँ आलू की, क्योंकि मुझे पसंद है बचपन से ही खाना ये। इसमें काले चने थे, इसके अंदर क्या है आई गेस कद्दू की सब्जी है, हाँ इसके अंदर काशी फल की सब्जी है, ये पूड़ियाँ हैं, और ये तो दोपहर का खाना है जो मैंने, और ये रहा वो नारियल जो मैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी सुबह। इतना सारा यम्मी यम्मी खाना देखकर मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है, बट यही है कि अब प्रसाद माता रानी का तो भूख लगी गया है, अब बस छुटकू छुटकू बच्चों को जिनको देना है, देने के बाद हम भी खाएंगे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा जोरों की भूख लग रही है, ना मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है। तो पहले मैं फटाफट से ये काम निपटाती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। आप ब्लॉग में बने रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड होपफुली सबकी नवरात्रि बहुत अच्छी जा रही होगी। एंड मैं भगवान से ना सबके लिए अपनी पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए प्रार्थना कर चुकी हूँ कि सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें, जिसको जो चाहिए ना और जो जिसके लिए अच्छा हो वो मिल जाए, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट पहले ये खत्म करती हूँ, वरना ब्लॉगिंग के साथ साथ तो ये हो नहीं पाएगा और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि प्रसाद और पूजा का काम है। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मिलती हूँ। भाई लिटरली सुबह जब से मंदिर से आई ना, उसके बाद से मैं भैंस गाय गधे घोड़े सब कुछ बेच कर सो रही हूँ, और इतना थक गई थी ना मैं सुबह, जबकि मैंने कुछ खास काम नहीं किया है, लेकिन उसके बाद मेरे को इतनी तेज़ नींद आई क्योंकि मैं यहाँ से जब प्रसाद वाली बात आपको बता रही थी ना, उसके बाद प्रसाद देने के लिए पहले मंदिर चली गई। मंदिर जाने के बाद बुआ की बेटी है छोटी सी अभी हुई है, उसको देने चली गई, वहाँ खूब गप्पे मारे, खूब मौज करी, और उसके बाद में मैं घर आई, और घर आके ना मैं सीधा सो गई दवाई खा के सो गई। और उसके बाद मेरी बीच में मेरे ख्याल से हार्डली आधे घंटे के लिए नींद खुली है, जिसमें मैंने फटाफट से बर्तनों का ढेर लग रहा था वो सारे साफ किए बिकॉज शाम का खाना वगैरह भी बनाना था, और मेरा मुंह तो तुम देख ही रहे हो क्या हाल हो रखा है, पता नहीं क्यों उतरता जा रहा है इतना। तो बस अभी मैं फाइनली उठ गई हूँ और मेरा एनर्जी लेवल भी ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़े बहुत काम अपने निपटा लेती हूँ। एंड घर में अभी फ़िलहाल क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई, तो जब तक प्रशांत आएगा नहीं तब तक सब्ज़ी नहीं आने वाली है,
तो फिलहाल तब तक घर के बाकी के थोड़े बहुत काम करूंगी। और यार लिटरली इतनी बढ़िया नींद आती है ना मुझे आजकल, ऐसा लगता है कि जितनी नींदें मैंने पूरी नहीं करी है ना, मतलब टेंशन ले लेके, स्ट्रेस ले लेके और बवाल, जिंदगी के बवाल सोच सोच के, वो सारी नींदें ना मेरी बहुत अच्छे से पूरी हो रही हैं। और जब एक घंटे सो लूँ उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील होता है, ऊपर से मौसम भी बहुत सही हो रहा है। आजकल दिल्ली में 2-3 दिन से ना ठंडा मौसम है, पहले बारिश हो गई थी 2 दिन और आज हवा अच्छी चल रही है। तो मैं बस अपने लिए अभी दूध चाय जो भी पीना है वो बनाऊँगी, थोड़ा बहुत खाऊँगी, तब तक प्रशांत आ जाएगा, उसके बाद बाकी के काम निपटाएंगे। एंड एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ आई है, अभी दिखाती हूँ तुम्हें, देखना, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी मुझे वो, ऑल दो नॉर्मल है बट स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, इसलिए शेयर करती हूँ तुमसे, रुको। ये देखो, बचपन में यार कंजक में जब जाते थे ऐसी क्यूट क्यूट चीज़ें मिलती थी, कितना एक्साइटमेंट रहता था ना। तो ये छोटी सी जो टोकरी है ना, सामने भाभी दे के गई है मुझे, और इसके अंदर प्रसाद है। सुबह मैंने अपना प्रसाद तो खा लिया था, ये वाला मैंने प्रशांत के लिए रख दिया बिकॉज उसको नहीं मिला, वो सुबह सुबह जल्दी चला गया था। तो जो भाभी के घर से प्रसाद आया वो खा लेगा। एंड इस टोकरी को या मिनी बैग को कैसे यूज़ करूँगी देखूंगी, एंड अगैन पिंक इन कलर। बचपन में जब मैं खुद कंजक के लिए जाती थी ना अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो हमेशा हम सब दोस्तों के मन में यही होता था, लड़कियों के मन में, पिंक मिले पिंक मिले पिंक मिले, और पिंक के पीछे इतना झगड़ा हो जाता था, लड़के लोगों का ब्लू के पीछे झगड़ा हो जाता था। तो पिंक ब्लू, वही बेबी बॉय बेबी गर्ल में भी तो पिंक ब्लू चलता रहता है। तो जब मुझे ये पिंक वाली मिली ना, मुझे लिटरली बचपन की याद आ गई, और बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी लगी मुझे ये, बहुत ज़्यादा प्यारी सी। सो इसको मैं संभाल के रखूँगी क्योंकि भाभी बहुत प्यार से देके गई है। और प्रसाद आज सुबह मम्मी ने जो बनाया था मैंने तो वही खा लिया था, ये वाला मैंने नोनू के लिए रख दिया क्योंकि उसको हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, सूजी का उतना नहीं पसंद, लेकिन स्टिल उसको मूंग की दाल का बहुत पसंद है, बट सूजी का हलवा भी वो खा लेगा बिकॉज उसको मीठा अच्छा लगता है। और ऐसा सुना है मैंने कि प्रसाद आप जितना बांटोगे उतना ज़्यादा लाइक फलता है, तो मिल बांट के खाएंगे। हवा देख रहे हो क्या मस्त चल रही है, मौसम दिखाते, ये देखो पौधे कैसे हिल रहे हैं, इतनी बढ़िया हवा चल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और अभी सनसेट का टाइम हो रहा है, बस सनसेट होने ही वाला है, सामने देखो सनसेट हो जाएगा, उसके बाद दिया बाती का टाइम भी हो जाएगा। एंड हम लोग के यहाँ अष्टमी हो गई, तो नवरात्रे तो एक तरीके से हमारे लिए कम्प्लीट ही हो गए, कल रामनवमी है जिनके यहाँ पर भी होती है। एंड बढ़िया मौसम बना हुआ है, ठंडा ठंडा सा, अभी मुझे लग रही है भूख, तो मैं जाके अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। मैं बताऊँ, मैं अभी किचन तक गई, मेरा चाय पीने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा है लेकिन मैं चाय नहीं पी सकती ब्रो, मुझे चाय अवॉइड करनी है, ठीक है। और मैं सुबह की चाय ना ज़िद मार के पी लेती हूँ कि चल ठीक है दो घूट पी लूँ, बट मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए। और मैं अपने मन को इतना समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई दूध पी लेती हूँ चाय की जगह, क्योंकि कुछ ना लिक्विड, क्योंकि इस टाइम चाय पीने का टाइम होता है, ठीक है। तो कॉफ़ी चाय मेरे को नहीं पीनी, तो दूध तो पी सकती हूँ, बट वही है कि दूध पीने के लिए ना अपने मन को इतना समझाना पड़ रहा है कि दूध पी ले, क्योंकि मन तो चाय का कर रहा है और मूड स्विंग इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं कि नहीं मुझे चाय पीनी है, और मैं खुद को मना नहीं पा रही, और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा तेज़। एंड बाकी वही है कि घर में वही चटर पटर रखा हुआ है खाने के लिए हल्का बहुत, लेकिन मेरा लिटरली चाय की क्रेविंग हो रही है। बट मैं यार, चाय इतनी प्यारी क्यों होती है, सब इंडियंस की जान होती है चाय, ऐसा लगता है कि ना चाय में एक अलग सा नशा है कि चाय पियोगे आंखें ऐसे खुल जाएंगी। सुबह सुबह मेरा एनर्जी लेवल ना एकदम ज़ीरो होता है जब मैं सो के उठती हूँ, पानी पी के फ्रेश होके आने के बाद मेरे को चाय चाहिए ही चाहिए, और चाय पीते ही ना आँखें एकदम से ऐसे खुल जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं चाय हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है, जो भी है, बट यार हम अब इतने टाइम से पीते आ रहे हैं, वैसे कैसे छोड़ दें, थोड़ी थोड़ी तो पी सकते हैं ना, बट वही है कि मैं नहीं पीऊँगी अभी चाय, और बॉर्नविटा वाला दूध ही पीना पड़ेगा, तो और कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी खाने में मैं सोच रही हूँ क्या खाऊँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों की भूख। और यार पता है, इस बार के नवरात्रे ना, मतलब हर बार ही नवरात्रे में मैं इतनी सारी तैयारियाँ करती हूँ, और क्या कहते हैं, हर एक चीज़ को बहुत प्रॉपर वे में करती हूँ, इस बार ही मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। मुझे आज सुबह बहुत फील भी हो रहा था कि मैं खुद से प्रसाद नहीं बना पाई, ऑल दो मम्मी ने भोग का प्रसाद बना के दे दिया था, बट माता रानी तो मैंने भी रखी थी और मैं कर सकती थी चीज़ें, या मतलब जो भी है, एक होता है ना कि थोड़ा सा फील हो रहा था कि यार काश कि मैं एटलीस्ट हलवा खुद से बना लेती, बट उतना भी नहीं हो पाया। आई नो भगवान सब जानते हैं, वो अपने बच्चों को सब समझते हैं, सब चीज़ ठीक है, बट एक होता है ना मन में रह जाता है, बिकॉज मुझे ना फेस्टिवल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, कोई भी फेस्टिवल होता है मेरे को बहुत दिल से मनाने की उसको आदत है, और मुझे अच्छा भी लगता है। बट इस बारी के नवरात्रे मेरे थोड़े ऐसे ही रहे, बट माता रानी ने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया, उस चीज़ से मेरे मन में ना तसल्ली थी
अदरवाइज सुबह वो जो नारियल वाला इंसिडेंट हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरी पूजा से वो गुस्सा हो गई है, या हम तो बच्चे हैं ना, हमें क्या मतलब, इंसान है हमें क्या समझ आता है, बट भगवान जी तो भगवान जी होते हैं। तो वही है कि नवरात्रि का आज अष्टमी का दिन है, आज ख़त्म हो जाएगा नवमी, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होती। और वही है, इस बारी मैंने फास्ट भी नहीं रखा, थोड़ा सा लग रहा था, बट ठीक है कोई बात नहीं। एंड अभी बस यही है कि ना, मेरा अभी ऑर्डर प्लेस करने का भी सोच रही थी मैं यार, कि हॉल वीडियोस के लिए मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ, बट एक होता है ना कि माइंड ठीक से अभी काम नहीं कर रहा था, तो मैं वही अपना सोच रही हूँ कि मुझे करना तो है, बिकॉज यार मीशो से ना सामान आने में बहुत टाइम लग जाता है। लिटरली मैं अगर आज ऑर्डर प्लेस करती हूँ तो टाइम लगता है आने में, उनको रिसीव होने में, क्योंकि दूर दूर से मैं जब देखती हूँ ट्रैक करके, कोई सूरत से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, तो उस चक्कर में काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड वही है कि घर का काम भी आजकल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, सारी चीज़ों ने काफ़ी ऑक्यूपाइड कर रखा है। बट ये है कि मैंने बोला ना, वो जो एक दो घंटे की जो नींद आती है ना दवाई खाने के बाद, आ हा जन ना, तो उसमें मेरे को ये नहीं पता रहता कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस मस्त सो जाती हूँ मैं। तो अभी मैं कुछ खा पी लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा तैयार कर लेती हूँ शाम के काम के लिए, और इसीलिए मैं ना ये छोटू सा ही व्लॉग अभी फिल्म कर पाई, क्योंकि आज पूजा वगैरह में ही पूरा दिन इसी तरीके से निकल गया, आके मैं सो गई थी, और अभी मेरा रूटीन कुछ इसी तरीके का रहने वाला है। बाकी जैसी भी जर्नी रहेगी आगे, सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो यार, तो प्लीज़ डू सपोर्ट माय चैनल, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन हिट कर दो, ताकि नोटिफिकेशंस मिल जाएं। अपनी तरफ से मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं रहेगी कि मैं व्लॉग्स जल्दी जल्दी लेकर आऊँ, डेली लेकर आऊँ, और साथ में लाइक मतलब हॉल वीडियोज़ भी लेकर आऊँ, बट आप कोऑपरेट करना थोड़ा सा। हॉल वीडियोज़ के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है आने में, इसीलिए हॉल वीडियोज़ थोड़े लेट हो जाते हैं, बट स्टिल आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, और मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगी। बहुत टाइम हो गया इस चैनल पे मेहनत करते करते, आप लोगों ने बहुत साथ बना के रखा है, बस अब मैं यही चाहती हूँ कि सारी मेहनत ना वेस्ट ना जाए, इसीलिए मैं अपनी कंसिस्टेंसी में कोई कमी नहीं आने देना चाहती, और मेरे को मालूम है कि आप सपोर्ट करोगे, भगवान सपोर्ट करेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। तो चलो फिलहाल के लिए मैं आज इसको यहीं पर एंड करूँगी, मिलेंगे बहुत जल्द एक न्यू ब्लॉग या हॉल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स मर्शिका10 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। बाय।